उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गांधी पार्क में आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ साथ अनेकों संगठन राजधानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए। आंदोलनकारी नेता रविंद्र जुगरान की माने तो जिस मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने के लिए लोगों ने शहादत के साथ साथ आंदोलन किया, लेकिन आज 17 वर्ष बीतने के बाद भी कोई सरकार इस पर अपना मत प्रश्न नहीं कर पाई है। इससे यह लगता है कि जनता के साथ और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर जल्द ही सरकार द्वारा गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं किया गया तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। जनप्रतिनिधियों के अंदर संवेदनशीलता शून्य हो गई है और वो मर्म नहीं समझ रहे, अपने क्षेत्र का मर्म नहीं समझ रहे हैं। पहाड़ की पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ये राज्य बनाया गया था, इसके लिए संघर्ष हुआ था और समाधान 100 बीमारियों की एक ही दवा है, राजधानी गैरसैंण। 17 साल में 17 लाख लोग पहाड़ छोड़कर तराई में आ गए हैं, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में आ गए हैं, दूसरे प्रदेशों में चल गए हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं, वहाँ आबादी हट गई है वहाँ से सारी की सारी। तो प्रथम पंक्ति का जो सैनिक होता है वो स्थानीय नागरिक होता है, तो लोग ऊपर जाएं, बसे, रुके, इसीलिए गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं, इसीलिए सड़कों पर है। और 17 साल में कोई भी सरकारें वो दर्द नहीं समझ पाई जिसके लिए राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, शहादत हुई, इतिहास के विश्व इतिहास का आंदोलन हुआ। जब हमको या पब्लिक को यह महसूस हो रहा है कि हमने राज्य संघर्ष करके लिया और राजधानी भी संघर्ष करके ही मिलेगी, इसीलिए सड़कों पर आना पड़ रहा है।